मित्रों, आज जो नया खुलासा हुआ है आम आदमी पार्टी के अपने विधायक श्री कपिल मिश्रा द्वारा और लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका नाम बदलकर काप कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही बल्कि केजरीवाल आदमी पार्टी बन गई है और लगातार काप के पाप का घड़ा फूट रहा है और उस फूटे घड़े में से जो पाप की आवाज़ें निकल रही हैं उसका कोई केजरीवाल जी जवाब नहीं दे रहे और उस पाप की गठरी को कोई और नहीं इनके अपने विधायक खोल रहे हैं और लगातार जो खुलासे बने हुए हैं उससे पता चलता है कि काली अंधेरी रात के अंदर किस तरीके के काले कारनामे इन्होंने किए हैं और 12 बजे ऐसी तमाम कंपनियां खोली जाती हैं और वहां से पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं और उनका कोई हिसाब भी नहीं है और हिसाब यहां तक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ और अमाउंट बताया जाता है, डोनेशंस किसी और नाम से आती हैं और ऐसे कुछ भूत प्रेत डोनेट कर जाते हैं जिसमें एक बबलू नाम मुझे समझ आया कि बबलू नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं, मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं और एक एड्रेस के ऊपर 187 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार यहां पर चल रहा है और लगातार भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट कारनामे सामने आ रहे हैं। मैं और दिल्ली की जनता यही जानना चाहते हैं कि इस पाप के फूटे घड़े से जो कराहट की आवाज़ें आ रही हैं उसका जवाब केजरीवाल जी या मिस्टर करप्ट कब देने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर करप्ट ने लगातार करप्शन के दायरे को बढ़ाया है और उस दायरे को इस तरीके से बढ़ाया है कि भ्रष्टाचार ही नज़र आ रहा है दिल्ली में, सरकार नज़र नहीं आ रही है और उस सरकार को ढूंढने के लिए दिल्ली की आम जनता सड़कों पर घूम रही है और उसको कहीं पर काम और कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। आज जिस तरीके की बेशर्मी और बेरुखी इनके विधायकों द्वारा, नेताओं द्वारा लगातार प्रकट हो रही है, मैं तो उनसे यही जानना चाहती हूँ कि जो जो आरोप आप पर लगे हैं अब सीधे तौर पर आकर उसका जवाब दें। एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल मांग करते हैं एंड इन इंग्लिश इफ आई मे स्टेट दैट इस्तीफे की हम केवल मांग नहीं करते बल्कि हम चाहते हैं कि सीबीआई को पूरी जांच करने का मौका तब मिल सकता है जब केजरीवाल मिस्टर करप जो है वो इस्तीफा दे और तभी एक जो संवैधानिक पद है, चीफ मिनिस्टर का पद संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद से जब वो इस्तीफा देंगे तभी इसकी बेहतर तरीके से जांच हो पाएगी और कपिल मिश्रा जी ने सीबीआई को जांच का आग्रह पत्र पहले से ही दे दिया है। See, the BJP has to follow the law and all I can say is the people of Delhi are fed up with this kind of governance and that is why the renaming of AAP has to be CAAP. The Aam Aadmi Party is no longer Aam Aadmi Party. It has become Kejriwal Aadmi Party and full of sins and that is why PAP and the entire PAP structure is getting dismantled by none other than their own MLAs and their own leaders and their leadership is getting questioned because it is one man's party which is indulging in corrupt practices and filling the coffers of his own family and people who are developed a caucus within the party around him and their sins are going to be taken away because they are close to Mr. Corrupt. Under these circumstances, me along with Delhi and all of us are questioning that instead of answering and giving response to the specific allegations and accusations made by the their own leader, by Mr. Kapil Mishra, how is it that some of the leadership is indulging in mudslinging and brazenness and they are trying to brazen the entire episode of corruption repeatedly? Absolutely false. BJP doesn't need to parrot anybody's line and nobody else has to parrot the lines of BJP for the simple reason that this person was somebody on whose working and behest even people like Yogendra Yadav and Prashant Bhushan were thrown out. He was a person who was closest to Mr. Corrupt
And end of the day, Mr. Corrupt's own corruption is coming forward by the same person. BJP has nothing to do with it for the simple reason that when people from within are questioning the party leadership, we really don't have much task to do. We can only ask questions in consonance of the entire episode which is going on. देखिए बीजेपी को कुछ कहलवाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है और उसको जवाब देने की बजाय बीजेपी का नाम लेकर उस पर्दे के पीछे मिस्टर करप्ट जो है वो छुपना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगा बल्कि सामने बातों का सामना करना पड़ेगा जिस तरीके के आरोप उनके अपने विधायक और उनके खास बहुत ही खास व्यक्ति उन पर लगा रहे हैं क्योंकि मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली को और देश को याद दिलाना चाहती हूँ कि कपिल मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे अधिक नज़दीकी के साथ जल बोर्ड के घोटाले की जो जांच है वो अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर की थी और ये वही व्यक्ति हैं जिनकी सिग्नेचर कैंपेन ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाला था तो ऐसे हालात के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है अगर किसी का लेना देना है तो वो इनके अंदरूनी मामले हैं और अंदरूनी ठगी की जो व्यवस्था है वही इसके लिए जिम्मेवार है I think that is what is the jurisdiction of the CBI and CBI needs to start working on this particular aspect for the simple reason that this is the same bank from where all the transactions happened and in fact if I'm not mistaken most companies are fraudulent company indulging in fraudulent transactions and are in Krishnanagar. And during demonetization period also there were certain raids and certain wrongdoings were found in their transactions. So I'm sure CBI is seized of the matter and when an agency is seized of the matter, it does not behove another person to make comments on that. I leave it to the investigating agency to look into all the aspects which are necessary to discover the unending trail of corruption and black money. Thank you.